कितने साल से विधवा हैं? मैं 2013 24 सितंबर से. एक साल दो महीना हो गया. तीन साल हो गए बाबू. पांच महीना लग गया. मेरे आदमी मरने के बाद मेरा ससुराल ने मुझे अत्याचार नहीं करा, मेरे घर से निकाल दिए थे. आपने विधवा पेंशन के अप्लाई किया था? हाँ, मैं गई थी प्रधान के पास कई बार. उन्होंने बोला कि अभी अभी मीटिंग में रखूंगा, कि तो मीटिंग में अभी तक कोई प्रस्ताव में रखा नहीं मेरा नाम. तबियत नहीं अपने ठीक रखते, जैसा किसी के यहाँ ऐसे कहीं जाएंगे तो सारे दिन धूम में रहना पड़ा वहाँ से, तो अब वो धूम मेरे बर्दाश्त नहीं होती. आपने कितनी बार अप्लाई किया था? दो तीन बार किया, प्रधान से भी किया और मैंने अधिकारी लोगों को बोल रहे कि फैमिली लिस्ट का कागज अभी आया नहीं है, अक्टूबर में आने की बात थी, आया नहीं, अभी नहीं होगा. कैसे बताऊं, कर रही हूँ अपने बच्चों को मजा, दाढ़ी मजदूरी कर. कैसी मजदूरी करती? यही जेली ग्रांट में हाउसकीपर में काम करती हूँ. दिक्कत ये है बच्चे की पढ़ाई भी ठीक से नहीं करा पा रही. दिक्कत ये है कि उनको ठीक से खिला पिलाने को भी दिक्कत होती है. जैसे हम यहाँ आए तो बच्चे घर पे है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे. भारत सरकार की विधवा पेंशन योजना से भले ही भारत के कई गांव के लोग फायदे उठा रहे हैं, लेकिन देहरादून के उत्तराखंड के जौली गांव की इन विधवाओं की अगर बात करें तो इनका इन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है. इसके लिए आप भी हमारा सहयोग करें और जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को 9410767072 पर कॉल करें. इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर के लिए देहरादून उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल.